गुड इवनिंग चलिए देखिए आज स्टोरी डिस्कस करते हैं हम एज यू लाइक इट की और कोशिश करेंगे घंटे भर में उसको समेटने की कोशिश करते हैं तो आपको मोटे मोटे करेक्टर सारे ध्यान में हैं कौन कौन से करेक्टर है? सबसे पहले आपको दिखाई थोड़ा वॉल्यूम कम करना हल्की सी सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा ऊपर कौन है ड्यूक सीनियर दूसरा कौन ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का भाई है कौन ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर की बेटी है कौन रोजालिंड और इसका एक काम करता था इसके साथ कौन डी बॉयज सर रोनाल्ड डी बॉयज इसके तीन बेटे हैं एक कौन है ओलिवर है दूसरा जैक्स है तीसरा ओरलैंडो है ठीक ऊपर यहाँ आपको कौन दिखाई दे रहा है ये एडम ये इसका सर्वेंट था सर रोनाल्ड डी बॉयज का और डेनिस जो है वो ओलिवर का सर्वेंट है इधर फ्रेडरिक है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है सीलिया और इधर कौन है आपका टचस्टोन जो एक क्लाउन है एक कौन है लिब्यू और एक कौन है चार्ल्स इस प्रकार ये अलग अलग कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब कहानी स्टार्ट होती है एज यू लाइक इट की बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी सी कहानी है इसकी रोमांटिक कहानी काफ़ी देखते जाएक्ट्स बहुत सारी चीज़ आप स्टोरी से याद कर लें तो ध्यान रखना जब ये कहानी स्टार्ट होती है स्टोरी के स्टार्ट में सबसे पहले आपको एक सीन दिखाई देता है जिस सीन के अंदर दो करेक्टर आपको दिखाई देंगे एक आपका करेक्टर कौन है इसमें एडम कौन है एडम है एर कौन है ओरलैंडो है और एक कौन है ओलिवर है इनका डिस्कशन सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है यहाँ जब कहानी स्टार्ट होती है तो एडम सॉरी ओलिवर जो है उसके खिलाफ शिकायत करता है कौन ऑरलेंडो ओर कहता है कि मेरे पिताजी यानी सर रोनाल्ड डी बॉयज मेरे पिता मेरे फादर सर रोनाल्ड डी बॉयज जो थे उन्होंने मेरे हिस्से की संपत्ति मेरे हिस्से का जो पैसा है संपत्ति है वो मेरे भाई ओलिवर को दे दी किसको ओलिवर को इस वजह से कि ओलिवर सबसे क्या है परिवार में बड़ा है और बड़ा होने के नाते वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई ओलिवर के पास और ओलिवर को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि तुझे क्या करना है तुझे ओरलैंडो की एजुकेशन में और उसके पालन पोषण में सारा खर्चा तुझे वहन करना है उसको अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करवानी है किसको ओरलैंडो को तो ये जिम्मेदारी किसको मिली ओलिवर को मिली किससे मिली सर रोनाल्ड डी बॉय से इससे हमें यह पता लग जाता है कि सर रोनाल्ड डी बोय दुनिया में नहीं है और ओलिवर बड़ा होने के नाते जैक्स और ओरलैंडो दोनों की जिम्मेदारी उसी के पास आ गई यहीं से हमें यह पता लगता है कि ओरलैंडो का एक भाई और है जिसका नाम क्या है जैक्स है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है कहीं भी जी रहा हो लेकिन अपनी जिंदगी को अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से काट रहा है बहुत अच्छे से जी रहा है कौन जैक्स ठीक है जैक्स अपनी लाइफ बड़ी अच्छे से जी रहा है लेकिन ठीक से लाइफ जी नहीं पा रहा है कौन डो ओरलैंडो कहता है कि मुझसे ज्यादा बढ़िया तो ओलिवर के जो जानवर हैं घोड़े हैं वो मुझसे अच्छी तरह से उनका पालन पोषण हो रहा है इतना बुरा बर्ताव करता है मेरे साथ कौन ओलिवर। तो ओलिवर की शिकायत करता है ऑरलेंडो तो यहां से हमें कुल मिला के ये समझ में आ जाता है कि सर रोनाल्ड डी बॉयज से जुड़े हुए तीन करेक्टर हमारे सामने हैं जिसमें से सर रोनाल्ड डी बॉयज दुनिया में है नहीं ओलिवर बड़ा है जैक्स बीच का और ऑरलैंडो सबसे छोटा है सर रोनाल्ड डी बॉयज की जो प्रॉपर्टी है पूरी ओलिवर के पास आ गई और ओलिवर की जिम्मेदारी ये थी कि वो दोनों का क्या करे ठीक से पालन पोषण करके उनको एजुकेशन अच्छे से वो प्रदान करे लेकिन जैक्स अपना हिस्सा हुसा लेके कहीं चला गया जबकि जो ऑरलेंडो जो है वो क्या कर रहा है अभी भी बेचारा भटक रहा है कि उसको कुछ

रेसलर है इस चार्ल्स रेसलर को बुलाया हुआ होता है ओलिवर के द्वारा या यूं कहे कि चार्ल्स खुद ही इसके पास आया होता है कोई मैसेज लेके किसके पास ओलिवर के पास मिलने के लिए तो जो इसका सर्वेंट है डेनिस वो सर्वेंट जो है वो तुरंत आके ओरलैंडो और ओलिवर में दोनों में बहस भी होती है उससे पहले ओरलैंडो ओलिवर दोनों आपस में लड़ते हैं दोनों में बहस होती है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ओरलैंडो शरीर से ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा इंटेलिजेंट है और तो ओलिवर को ओवरटेक कर लेता है तो ओलिवर कहता है मुझे छोड़ दे मैं तेरी सारी तेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है तेरी संपत्ति तेरे को दे दूंगा आज के बाद मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा ओरलैंडो कह रहा है ठीक है मेरी प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति मुझे दे दे मैं तेरे पास कभी दोबारा आऊंगा ही नहीं इस प्रकार बहस हो जाती है और ओरलैंडो वहां से रवाना हो जाता है ठीक उसके बाद डेनिस जो है 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 वो बता रहा है इसको कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है और ये जो मिलने आया है व्यक्ति इसका नाम क्या है चार्ल्स चार्ल्स जो है जब ओलिवर से मिलता है तो चार्ल्स आके कहता है कि भाई मैंने सुना है कि तेरा भाई जो है जिसका नाम ओरलैंडो है कल वो ड्यूक जो है ड्यूक फ्रेडरिक उसके वहां दरबार में मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा क्या लड़ेगा कुश्ती लड़ने वाला है तो मैं तुझे तेरा भाई इसलिए तुझे कहने आया हूं क्योंकि मुझे तेरे साथ सिंपेथी है कि अगर वो मेरे साथ लड़ेगा तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं क्यों क्योंकि मैं तो भाई राजा का रेसलर हूं मैं बहुत बड़ा रेसलर हूं तो मैं उसको हरा दूंगा हो सकता है कि उसकी अड्डी बड्डी तो तेरा भाई है इसलिए उसको तू रोक दे कि मेरे साथ वो कुश्ती का मैच ना लड़े ऐसा कौन कह रहा है चार्ल्स कह रहा है ओलिवर कहता है इससे बढ़िया मौका और क्या है उसको तो नहीं कहता है मन में सोचता है कि इसको मैं देता हूं। तो ओलिवर कहता है किसको चार्ल्स को और चार्ल्स कहता है बहुत बढ़िया बात तो ने मुझे बता दिया मैं तो सोच रहा था तेरा भाई है तो मैं उसके साथ लड़ना नहीं चाहता अगर वो इतना दुष्ट व्यक्ति है तो अब अगर वो कुश्ती के मैदान में आएगा तो उसकी हड्डी पसली सब तोड़ के उसको किनारे कर दूंगा किसको को। इस प्रकार के बीच में होती है। यहीं से एक न्यूज एक समाचार हमें ये भी मिलता है कि होती है तो चार्ल्स कहता है कि ड्यूक सीनियर जो है एट प्रेजेंट वर्तमान में जिस जगह रह रहा है उसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ठीक है वहां रह रहा है और उसके साथ साथ वहां के कुछ एक दो नोबल मैन भी है जो है और एक कौन सा है जैक्स है तो कुछ लोग रह रहे हैं और रोबिन बड़े जिंदगी जी रहा है कौन ड्यूक सीनियर ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है चार्ल्स तो चार्ल्स ये सूचना देता है किसको ओलिवर को और हमें भी पता लग जाता है कि जो ड्यूक सीनियर है वो आर्डन के जंगल में है अभी उसको बैनिज कर दिया गया है फिर आगे पूछता है कि जो उसकी जो बेटी है इसकी जो बेटी है वो कहां रह रही है तो बेटी पता लग जाता है कि दो बेटी एक बेटी रोजालिंड है और इसकी बेटी कौन है सीलिया दोनों जो है वो कहां निवास कर रही हैं कोर्ट में निवास करती है दरबार में रहती है, इस सब होती है और वो चार्ल्स वहां से निकल जाता है ओलिवर जो है वो पीछे से ओलिवर जो है क्या करता है ओलिवर जो है वो पीछे से क्या कर रहा है खुश हो जाता है बहुत कि अब मेरा इससे छुटकारा आराम से मिल जाएगा किससे ओरलैंडो से क्योंकि ओरलैंडो जो है अब इसका काम तमाम कर देगा कौन चार्ल्स बात समझ में आ गई क्लियर हो यहां तक की कहानी उसके बाद हम एक सीन में दिखाई देता है सीनियर। सीनियर कहां रह रहा है अभी आर्डन के जंगल में रह रहा है और ड्यूक सीनियर के साथ दो व्यक्ति रह रहे हैं एक का नाम जेक्स है दूसरे का नाम एमियन है इसके अलावा भी और कुछ लॉर्ड्स हैं जो कहां रह रहे हैं आर्डन के जंगल में उसके साथ रहते हैं लेकिन मेनली ये दो ही करेक्टर जो वहां रह रहे हैं सब बड़े आराम से अपनी जिंदगी वो जी फिर हमारा तीसरा जो है फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में और ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में जब जाते हैं तो हमारी मुलाकात होती है रोजालेंड और सीलिया से रोजालैंड और सीलिया से जब हम मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले हमें रोजालेंड दिखाई देती है और रोजालेंड रो, रो रही होती है रो रही होती इस बात को लेके कि उसके पिता से चले गए एक छोटी लड़की उसके पिताजी को निकाल दिया गया यहाँ से तो रोजा दुखी हो रही है तो सीलिया कहती है तू रो क्यों रही है भाई क्या दिक्कत है तुझे तो कहता मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं तो सीलिया कहती है हाँ मुझे पता है मैं भी मेरे बाप की इकलौती बेटी हूँ तू भी तेरे बाप की इकलौती बेटी है मेरे पिता ने तेरे संपत्ति जो है हड़प ली लेकिन मैं तुझे दावे के साथ कह सकती हूँ अब मेरे पिता के कोई संतान और तो है नहीं जब मेरे पास राजपाट आएगा तो मैं सब तेरे को सौंप दूंगी किसको रोजालिंड को इसलिए तू रो मत कुछ और काम कर कुछ और बातें कर ये रोने वोना छोड़ दे तो रोजालिंड थोड़ा बहुत रोने का मुझे हक बोला फिर नहीं तू रोना बंद कर दोनों के बीच में बातचीत चलती है किसके बीच में रोजालिंड और सीलिया तो कहते हैं क्या करें फिर कुछ और बात करते हैं कहते ठीक हैं है किसी लव के टॉपिक पे बात कर लें किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं बहुत सारी बातें होती हैं इनके बीच में तो वहां से कुल मिला के हमें ये पता लग जाता है कि रोजालिंड और सीलिया दोनों बहुत अटेज हैं दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं ठीक तो हमारा सामना हमारी मुलाकात किससे हुई रोजालिंड और सीलिया से जब ये सब बातचीत चल रही होती है तभी इनके बीच टपक के इनके पास एक करेक्टर आता है जिसका नाम क्या है टच स्टोन स्टोन जब वहां आता है तो कुछ विटी स्टेटमेंट देता है, है, कि मजा क्या को लेकिन साथ करता है। और, और टच स्टोन तीनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी वहां क्या होता है ये सब जो बातचीत चल रही होती है तभी एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है लिब्यू लिब्यू वहीं पहुंचता है और लिब्यू वहां कहता है यहां क्या कर रहे हो आप यहां जो हैं, आप यहां बैठी हैं लेकिन आपने एक बहुत अच्छा जो है मौका गवा दिया कि एक रेसलिंग का भी मैच हुआ था और आपने रेसलिंग का मैच जो है वो खो दिया आप रेसलिंग का मैच देखते तो आपको बहुत आनंद आता और ये महिलाओं ने बहुत अच्छा पार्ट गायब कर दिया वहां एक तो टच स्टोन फिर मजाक में कहता है कि रेसलिंग का मैच महिलाओं को कब से खूबसूरत लगने लग गया महिलाओं को हड्डी टूटने उठने में कोई मजा नहीं आता देखने में तो मजाक की बातें करता रहता है वो तो रोजालिन और सीलिया वहां बातचीत कर रही होती है तभी लिब्यू कहता है कि एक मैच अभी और होना बाकी है एक मैच तो हो चुका जिसमें एक फादर है उसके तीन बेटे उनको चार्ल्स ने उठा उठा के पटक दिया उनको तो तीनों बेटे जो है वो चिल्ला रहे हैं बाप भी चिल्ला रहा है लेकिन अभी एक मैच और होने वाला है एक नया यंग लड़का जिसने मैंने सुना है कि इसने चैलेंज किया है किसको चार्ल्स को कि मैं युद्ध के मैदान में क्या करूंगा उनको हरा दूंगा किसको चार्ल्स को जब ये बातचीत चल रही होती है तभी अचानक वहां ड्यूक फ्रेडरिक भी आ जाता है कौन ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक फ्रेडरिक आता है और ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि भाई मैंने तो उस लड़के को समझा लिया नया लड़का है एकदम यंग लड़का है और मैंने कहा कि भाई तू मत लड़ तू लड़ रहा है तो तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी मर जाएगा तू कहा मेरे चार्ल्स जो है रेसलर के साथ तू लड़ना चाहता है मैंने तो समझाया वो मर रहा है तुम अगर ट्राई करके देख लो अगर तुम रोक सकते हो कैसे न कैसे तो उसको रेसलिंग के मैच से रोक दो ताकि वो लड़े नहीं इतना कह के वहां से ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो चला जाता है रोजालिंड और सीलिया को भी उत्सुकता हो जाती है कि हम देखते तो हैं कि कौन सा ऐसा लड़का है कि जो भाई इतना छोटी उम्र के अंदर किसी के साथ मैच लड़ने की कोशिश कर रहा है हम भी उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो लड़का कौन है तभी उनका सामना तभी उनकी मुलाकात जो है किससे होती है से और पहली बार दोनों की मुलाकात हुई किसकी रोजालिंड और ओरलैंडो की और पहली बार मुलाकात होते दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं दोनों मुस्कुराते हैं कौन रोजालिंड और ओरलैंडो और, और ऐसा लगता है कि रोजालिंड को पहली नजर में इसे अट्रैक्शन हो जाता है प्रति, ठीक ओरलैंडो के प्रति क्या हो गया उसको अट्रैक्शन हो जाता है रोजालिंड को रोजालिंड उसको कहती है कि तू कुश्ती का मैच मत लड़ कुश्ती का मैच मतलब देखो मैं तो तुझे रिक्वेस्ट करी हूं, लड़ाई मतलब ओरलैंडो कहता है देवियो इतनी सुंदर लड़कियां अगर मुझे कहें कि रेसलिंग का नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूं लेकिन मैं किसके लिए नहीं लड़ूं क्योंकि मैं इस दुनिया में अभागा हूं मेरा जैसा अनाथ और अभागा व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो मैं मरूंगा तो कम से कम दुनिया में जगह खाली करूंगा कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में आएगा जिससे क्या होगा कि मैं इस दुनिया में चला जाऊं तो दो ही कंडीशन है या तो मैं हारूंगा या मैं जीत जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे रोने धोने वाला कोई भी नहीं है तो मैं तो मैच लड़ूंगा मुझे माफ करना मैं आपकी बात को टालना नहीं चाहता लेकिन मैच लड़ना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मुझे मैच लड़ना ही है ऐसा कौन कह रहा है पहले थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट हो रही थी इतनी बात सुन के और बाहुली हो गई कौन रोजालिन वो तो पागल की तरफ बिहेव करने लगी कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा लड़का है बहादुर और है तो अब मन मन में क्या उसको रेसलिंग मैच तो उससे खेलने से तो रोक नहीं पाई अब अगली इच्छा क्या ही आई उसके मन में ये आई भगवान करे जीत जाए कौन सोच रही होगी रोजालिंड सीलिया सोच रही है चल जीत जाए ठीक है सीलिया भी क्योंकि उसकी फ्रेंड है रोजालिंड की और ये दोनों आपस में बातचीत करिए कोशिश करें कि भगवान करे कि क्या हो और लेंडो मैच को क्या कर ले जीत जाए तो कुल मिला के वो मैच जो है चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच जो मैच होने वाला था उस मैच का टाइमिंग आ चुका है मैच के मैदान के अंदर जो है मैच की तैयारी है और वो मैच होना किसके बीच में है ओरलैंडो और, और चार्ल्स सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और खासकर रोजालिंड जो है और सीलिया इन दोनों की नज़रें वहाँ टिकी हुई हैं कि देखते हैं कि मैच में जीतता कौन है अब चार्ल्स का तो बहुत बड़ा नाम है चार्ल्स बड़ा रेसलर है सबको लग रहा था कि चार्ल्स दो मिनट में इसको क्या कर देगा हरा देगा किसको ओरलैंडो को लेकिन ही मैच की शुरुआत होती है सीलिया भी कुछ कुछ सोचती है कि भगवान मेरे अंदर ऐसी कोई ताकत हो मैं जाके चार्ल्स को फेंके पटक गया हूँ साइड में ऐसा भी सीलिया बोलती है लेकिन ऐसा तो कुछ होना जाना नहीं है ओरलैंडो और चार्ल्स के बीच में जब मैच स्टार्ट होता है तो जो जो सब लोग सोच रहे थे उसका जस्ट अपोजिट होता है और ओरलैंडो उठा के जोरदार पटक देता है किसको चार्ल्स को चार्ल्स को ऐसा पटकता है कि चार्ल्स उठ ही नहीं पाता है ऐसा कौन करता है ओरलैंडो जो ही वो गिरता है तो सबसे पहला झटका किसको लगता है ड्यूक फ्रेडरिक को क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है कि मेरे जैसा रेस्लर मेरे जैसा मेरे चार्ल्स जैसा रेसलर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता तो सबसे ज्यादा झटका लगा किसको ड्यूक फ्रेडरिक को और फटाफट उठा के चार्ल्स को क्या कर लिया मैदान से वहां से बाहर ले गए ठीक कौन ड्यूक फ्रेडरिक और उसके लोग सब फटाफट फटाफट उसको ले गए सबसे ज्यादा दुखी तो हुआ ड्यूक फ्रेडरिक और सबसे ज्यादा खुश कौन हुई रोजालिंड मुस्कुरा रही है मुस्कुरा क्या रही है बिल्कुल बावली हो रही है तो रोजालिंड और साथ साथ में खुश कौन हो रही है सीलिया भी खुश हो रही है और रोजालिंड इतनी खुश होती है कि रोजालिंड जाके उसको एक चैन दे देती है कि ये चैन पकड़ और आज से मैं तो तेरी हो गई हूं कौन कह रही है कहा नहीं बस ऐसे बोल रही है रोजालिंड तो रोजालिंड जो है वो क्या करती है ऑरलैंडो को एक चैन गिफ्ट करती है ओरलैंडो भी खुश हो जाता है ऑरलेंडो भी खुश होता है और जो अब तक मन में लड्डू इसके फूट रहे थे कुछ वैसे वैसे दो चार लड्डू इसके मन में भी फूटे किसके औरलैंडो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों एक दूसरे को अटैचमेंट हो गया हो गया दोनों को और इधर साथ में कौन ये सीन में है सीलिया खड़ी है बिचारी आराम से कौन सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक फटाफट आता है ड्यूक फ्रेडरिक फ्रेडरिको के पास जाता है और ड्यूक फ्रेडरिक कहता है तेरा नाम क्या है इसने कहा मेरा नाम है ओरलैंडो डी बॉयज़ ज्यो ऑर्लेंडो डी सुनता है ड्यूक फ्रेडरिक को गुस्सा आ जाता है ड्यूक फ्रेडरिक कहता है काश किसी और की तू संतान होता तो मैं तेरे को बहुत शाबासी देता मुझे बहुत अच्छा लगता लेकिन तू बेटा किसका रह गया रोनाल्डी बॉयज का और चूंकि सर जो है बॉयज क्लोज व्यक्ति था किसके ड्यूक सीनियर के तो कहता है सर मैं आप मैं आपको खुश करने के लिए अपने बाप का नाम तो बदल नहीं सकता माफ करना मुझे तो ओरलैंडो उस बात को इनकार करता है कि मेरा बाप तो कौन है सर रोनाल्ड डी बोए है तो बहुत गुस्सा हो जाता है ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक फ्रेडरिक वहां से निकल जाता है तो इसके बाद ऑरलेंडो को जो है लीब्यू आके उसको बोलता है भाई तू फटाफट यहां से निकल ले नहीं तो तेरे को छोड़ेगा नहीं कौन ड्यूक फ्रेडरिक औरलैंडो कहता मैं जाऊं कहां कहां जाऊं उधर भाई नहीं छोड़ रहा यहां थोड़ा थोड़ा कुछ हंसी खुशी का माहौल बन रहा था तो यहां बीच में टप्पे कौन आ गया ड्यूक फ्रेडरिक है, है, जाऊंगा लेकिन मुझे तो तो इसके जैसा नेचर तो दोनों में से किसी का भी नहीं है ये तो बिल्कुल फर्जी है कौन ड्यूक फ्रेडरिक लेकिन फिर भी आप कहना चाह रहे तो जो लंबी वाली है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है जिसका नाम क्या है रोजालिंड है और जो दूसरी है वो सीलिया है जो किसकी बेटी है ड्यूक

जब एडम से इसकी मुलाकात होती है तो एडम कहता है यहां क्यों आया है तू कौन बोलता है एडम क्यों बोला अब क्या कर दिया भाई किसी को करने कुछ बिगाड़ा है बोला कुछ लोग जो होते हैं उनकी अच्छाइयां उनसे पहले ही पहुंच जाती हैं तेरे भाई को यह पता लग गया कि तूने चार्ल्स को हरा दिया है तो अब तेरा भाई तेरे को छोड़ेगा तो नहीं सामना करके तो तेरे से लड़ नहीं सकता तो या तो तुझे जहर देके मारेगा चाहे तेरी झोंपड़ी में आग लगाएगा चाहे कुछ भी करेगा उल्टे फुलटे कुछ भी काम करेगा पर तेरे को मारेगा जरूर इसलिए मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं बूढ़ा आदमी हूं सत्रह अस्सी साल का हो गया हूं तू यहां से रवाना हो जा कहता क्यों रवाना हो जाऊं बोला रवाना हो जाए क्योंकि यहां तेरे को ओलिवर किसी भी कंडीशन में छोड़ने वाला नहीं है ओरलैंडो कहता है चला तो जाऊंगा पर खाऊंगा क्या चला तो जाऊंगा खाऊंगा क्या क्या खाऊंगा मैं कौन बोल रहा है, ओरलैंडो बोला देख मैं एडम कहता है, मैंने तेरे पिता के समय से बहुत सेवा की है किस के समय से सर रोनाल्ड डी रोनाल्डोज के समय से और तेरे पिता ने मुझे बहुत आदर दिया है बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से मैंने अपना काम किया है मैंने कुछ पैसे बचा के रखे मेरे पास उन पैसों को मेरे कोई काम के नहीं है तो ये ये पैसे पकड़ इकट्ठा ले पैसे और यहां से रवाना हो जा जहां भी तुझे जाना है चला जा लेकिन यहां ओलिवर से तू पार हो जा कौन बोलता है एडम कहता ठीक है मैं जाऊंगा क्या रुक रुक जा तो रहा है पर मैं क्या करूंगा यहां मुझे भी ले चल साथ कौन कर रहा है

तो इसका मतलब ये दोनों आदमी इधर से ओरलैंडो और ये इधर से एडम कहा चले जाते हैं ये आर्डन के जंगल में क्यों गए कारण समझ में आ गया ये कहां पहुंच गए आर्डन के जंगल में पहुंच जाते हैं इधर ये आर्डन के जंगल में पहुंच गए उधर रोजालिंड और सीलिया जो है वो सोई हुई है रोजालिड वो आंखें खुल नहीं रही कभी आंख खुल रही है कभी बंद हो रही है सीलिया कर बात तो कर के मुझे डिस्टर्ब मत कर मैं कुछ सोच रही हूँ तो क्या सोच रही है किसके बारे में सोच रही है तो अपने पिता के बारे में सोच रही है कि नहीं मैं तो अपने बच्चों पिता के के पिता बारे में सोच रही हूँ <laughs> कौन बोलती है रोजालिंड तो कहती है ऐसी क्या बात हो गई तूने उसको देखा उसने तुझको देखा कुश्ती का मैच वार तू बावली हो गई ऐसा कैसे संभव है कि दो मिनट में तुझे उससे इतना प्यार हो गया कहता बस मुझे तो बहुत हो गया तू सोच मत लॉजिक बता कि लॉजिक ये है कि मेरे पिता उसके पिता से प्यार करते थे मेरे पिता यानी ड्यूक सीनियर उसके पिता से प्यार करते थे तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि मैं उससे प्यार करने लगी इसमें कहा दिक्कत है कहते बावली ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया मेरे पिता तो उससे नफरत करते हैं किससे ओरलैंडो से पर मैं तो उससे नफरत नहीं करती हूं तो ये लॉजिक नहीं है कुछ और लॉजिक बता कुछ भी हो कुल मिला दुखी है कौन रोजालिंड कि मुझे याद आ रही है बार बार किसकी और की सोच रही है बातचीत कर रहे हैं दोनों आपस में कोई बातचीत करती रहती है बातचीत करती रहती है लेकिन विपत्ति इनके पास भी आने वाली है कहां से बैठने वाले हैं अचानक दोबारा से ये जो है जिसको अमृतपुरी स्टाइल में कौन आ जाता है वहां पे ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक फ्रेडरिक आके कहता है रोजालिंड को अपने बोरिया बिस्तर बांध और निकल ले यहां से कौन बोलता है ड्यूक फ्रेडरिक कहता है चाचा मैंने क्या कर दिया वे अंकल जी क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका बोला तू कुछ भी बिगाड़ा बिगाड़ा है तो रवाना हो जाए यहां से ऐसा कौन बोल रहा है

जाना है बात खत्म इतना कह ड्यूक फ्रेडरिक वहां से निकल जाता है रोजालिन बी दुखी अकेली लड़की जाए तो रोजालिन इतनी जब दुखी होती है परेशान होती तो सीलिया सॉरी ड्यूक फ्रेडरिक जाने से पहले सीलिया भी बीच में बोलती है सीलिया कहती पिता ये क्या कर रहे हो आप तू समझती नहीं है लोग इसके चक्कर में तुझे देखते और नहीं है क्योंकि सब का अट्रैक्शन इसकी तरफ है कि ड्यूक सीनियर की बेटी है लोग इसी को पसंद करते हैं तुझे कोई पसंद नहीं करता बावली जब ये चली जाएगी तो सबका ध्यान तेरी तरफ हो जाएगा बोले पिताजी मुझे किसी का ध्यान नहीं चाहिए मुझे तो यही चाहिए कौन रोजालिंड मैं इसे बहुत प्यार करती हूं इसके बिना मैं रह नहीं सकती बोला तेरी वजह से तो आज तक ये यहां है नहीं तो मैं पहले ही भगा देता इसको तो बोला पहले ही भगा देते ना मैंने कब कहा था रोको तब तो मैं छोटी थी अब हम दोनों साथ बड़े हैं हमारा बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है अब आप इसको मत भगाओ उसने कहा मैं अब कुछ नहीं सुनने वाला हूं बात खत्म ये जाएगी तू चुप ऐसा करके ड्यूक फ्रेडरिक वहां से रवाना हो जाता है अब साहब रोजालिंड तो वापस हुई रोने लग गई सीलिया कहती तू रो मत रोजालिंड कहती मैं कब तक चुप रहूं सारे दुख जिंदगी में मेरे लिखे पहले बाप चला गया वो देखा पता नहीं ना लायक वो कहा वो भी नहीं दिख रहा और अब ये तेरा बाप आके मेरे को कह रहा तू भाग जाए यहां से मैं करूं क्या जीवन में एक लड़की अकेली मेरे पिता है नहीं यहाँ मैं किसके साथ जाऊं बोले काम करते हैं अपन भाग चलते हैं यहाँ से बोले कहां जाएंगे बोला अपन चलते हैं दोनों रोजालीन कहते हैं अपन शिलापन दोनों भाग के रवाना हो जाते हैं बोले पास पैसे वैसे भी नहीं है बोला मेरे पास खूब गहने जरूरत पड़े उठा लेंगे सब इकट्ठे करके रवाना यहाँ से हो जाएंगे कहता ये तो ठीक है चलते हैं दोनों तो दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों चलते हैं लेकिन इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटी प्रवोक्स थी सुनर गोल्ड ब्यूटी जो है कि कहते हैं सुंदरता जो है वो सुंदरता जो है चोरों को सोने से भी ज्यादा आकर्षित करती है इसलिए अपन इस वेश में जाएंगे तो कोई ना कोई छोड़ेगा नहीं हमें कोई ना कोई पकड़ लेगा हमें तो एक काम करते हैं कुछ हम डिजाइन अपना जो ये थोबड़ा थो जो है होलिया जो इसको चेंज करके जाते हैं तो बोला क्या करें कैसे कैसे करें तो रोजालिंड कहती है देख मैं थोड़ी शरीर से हाइट से लंबी हूं बड़ी हूं और बड़ी हूं तो जो जुपिटर है हमारा बृहस्पति जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम गनीमेड है तो कहते है जैसे बृहस्पति का उपग्रह बड़ा जिसका नाम गनीमेड है तो मैं बड़े आकार की हूं तो मैं ऐसा नाम रखती हूँ जो बड़ा बड़े को इंडिकेट करे इसलिए आज के बाद मैं रोजालिन नहीं हूं आज के बाद मेरा नाम क्या है

तो जो दूसरे देश से आते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं एलियन सुनते हैं ना एलियन आगे विदेशी आगे तो बोला आज से मैं विदेशी उस देश के लिए और मेरा नाम एलियन नहीं मेरा नाम एलियना है तो ये अपना नाम क्या रख लेती है एलियना रख लेती है तो ये तो हो गई गनीमेड और ये क्या हो गया एलियना बोला अब ठीक है अब कम से कम हम लड़की लड़की तो नहीं है एक लड़का हो गया और एक क्या हो गई लड़की हालांकि बीच में एक, एक आधा डिस्कशन वो भी होता है कि भाई अंदर है तो लड़की है ना दिमाग से तो लड़की है दिम सकल अकल तो तो ठीक है चेंज हो गई लेकिन दिल तो लड़की वाला ही है लेकिन चलो दोनों तैयार हो गए तो बोलो क्या करें कि एक आदमी तो और चाहिए साथ में क्योंकि है तो वास्तव में दोनों लड़की और ऐसे जाएगा कौन हमारे साथ बोला वो बावड़ा चलेगा ना साथ में और कौन है कौन टच स्टोन ये आ जाता है बोला वो चला जाएगा बोला उसको ले चलेंगे क्या दिक्कत है इस बेचारे टच स्टोन को बुला लिया और उसको कहते टच एक काम कर तो हमारे साथ में कहाँ चल आर्डन के जंगल में चलते हैं बोला मैं क्यों जाऊं पहले तो आना कानी करता है फिर ये भी रेडी हो जाती है और रोजालिंड भी कहां पहुंच जाती है आर्डन के जंगल में और सीलिया भी कहां पहुंचती है आर्डन के जंगल में और टच स्टोन भी कहां पहुंच जाता है आर्डन के जंगल में उधर ये आर्डन के जंगल में पहुंच गए तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है यहां एक लड़की जिसका नाम हिस्पीरिया है इनके पास अटेंडेंट रहती है और दरबार में अचानक से खबर फैल जाती है कि दोनों लड़कियां गायब हो गई है तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कियां गायब हो गई किसी को पता ही ना लगे बोला और कुछ लेके गई क्या बोला छोड़ के ही नहीं कि कुछ सारा सोना चांदी सब उठा के ले गई और कोई साथ गया गया बोला वो और साथ गया, कौन टच स्टोन वो भी चला गया साथ वो भी गया वहां में तो बोला क्या करें तो कहते हैं लास्ट बार किसने देखा तो कहते हैं लास्ट बार उसको हिस्पिरिया ने देखा और हिस्पिरिया है मैंने देखा था लास्ट में तो बड़े आराम से दोनों बैठी थी कब पलान करके भाग गई कुछ पता ही नहीं चला तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है फिर कहते हैं एक बात जरूर हमने सुनी है वो बार बार रोजालिंड जो है वो उस छोरे की जरूर बात कर रहे थे किसकी जो के गया था तो बोला अच्छा इसका मतलब हो ना हो उसके साथ भाग के गई है तो बोला जाओ उसको पकड़ के ले आओ किसको ओरलैंडो को जाओ उसको पकड़ के लाओ और अगर वो ना मिले तो उसके भाई को पकड़ के ले आओ और पकड़ के यहां लाओ अपन देखते हैं क्या कंडीशन होती है तो वहां से लोग भेज दिए जाते हैं और ओलिवर जो है उसको पकड़ के ले आते हैं किसके सामने ड्यूक फ्रेडरिक के सामने बोला मालिक मुझे क्यों बुलाया बोला तेरा भाई कहां है बोला मुझे क्या पता मैं भी तो ढूंढ रहा हूं उसको कब मिले कब मैं मारू उसको बोला तू तो बहुत दुष्ट आदमी है बोला दुष्ट कैसे बोले पहली बात तो तू तो अपने भाई को मारने का प्लान बना रहा है तो अब एक बात सुन ले मेरी तो इसका मतलब एक बात सुन ले किसको बोल रहा है ये ओलिवर को तेरे पास बारह महीने का टाइम है या तो तू तो तो तेरे भाई को लिया तो दोबारा यहाँ सामने मुझे दिखना मत तू मरेगा और तेरी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति तब तक मेरे पास है बोले इसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर लो और जा तू क्या करके ला अपने भाई को ढूंढ के लेके आ बोला ठीक है सर ढूंढ के लाऊंगा बोला गया कहा पता नहीं कहां गया है तो ये भी बेचारा रवाना हो जाता है किसकी तरफ आर्डन के जंगल की तरफ कहां पहुंच गए अभी आर्डन के जंगल की तरफ सब लोग धीरे धीरे जो है वो आर्डन के जंगल की तरफ चले जाते हैं और सीन यहां चला जाता है तो जंगल की रोजालिंड और सीलिया से अब रोजालिंड जो है वो गनीमेड के रूप में है और सीलिया जो है वो एलिना के रूप में है और सामने कौन है टच साथ में टच भी है अब ये जब चलते हैं तो सीलिया गति बस इससे ज्यादा नहीं चल सकती जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होगी कि चल पड़े जंगल की तरफ टचस्टोन कहता है तुम तो मरी मुझे क्यों मारा साथ साथ मैं तो दोबारा जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं आऊं मैं तो नहीं चल सकता आगे कौन बोल रहा है टचस्टोन रोजालिन कहती है रोना तो दिल मेरा भी कर रहा है रो जाऊं पर लड़के के कपड़े में हूं रो भी नहीं सकती कौन बोल रही है रोजालिन बोला क्या करें बोला पेट में भूख लग रही है बहुत भयंकर और खाने को कुछ है नहीं कुछ दिख जाए तो कुछ खा ले तो थोड़ा शांति मिले बोला चलो आगे चलते हैं और जब ये आगे जाते हैं तो सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है इस सेफर्ड से जिसका नाम क्या है कोरिन इस फार्मर से इनकी मुलाकात होती है कोरिन से कहते हैं भाई ऐसा कर कुछ खाने को दे दे हमारे पास कुछ खा पैसा है कुछ ले ले पैसा तो नहीं है वो क्या बोलते हैं सोना गोल्ड वगैरह है ले ले पर हमें कुछ खाने के लिए दे दे अच्छा सॉरी पहले बिना पैसे से मांगते हैं इससे कोरिन से कोरिन कहता है मैं तो खुद किसी के यहां नौकरी करता हूं मेरे पास कुछ नहीं है भेड़े भेड़े चराता हूं और मेरे पास कुछ देने को है नहीं ठीक आप एक काम करो मेरा जो मालिक यहां जो है वो कार्लोट जो मेरा मालिक है वो अपनी भेड़ वेड़ किसी दूसरे को बेचना चाहता है आपके पास अगर पैसा है तो भेड़े भेड़े आप खरीद लो फार्म हाउस आप खरीद लो मैं तो आपके यहाँ काम करने लग जाऊंगा तो आपको जगह मिल जाएगी और आपको सारी चीजें

कौन? सीलिया बेटी में ये बार -बार उसी को याद करती है कुश्ती है घूमने लग गए आराम से, से वहीं रहने लग गए इधर से हम दूसरी तरफ चलते हैं तो यहां अब क्या है ओरलैंडो और एडम भी दोनों जंगल की तरफ रहे होते हैं जब वो दोनों जंगल की तरफ आ रहे होते हैं तो एडम कहता है भाई बस अब हिम्मत नहीं अब नहीं चल सकता बोला पहले कहा था ना डोकरा मत चल मेरे साथ पर तूने कहा था चलूंगा बोला आ गया गलती होगी अब क्या करूं बोला अब मेरी जान निकल रही है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी मैं अगर मर जाऊंगा एक सेकंड और रह गया तो ऐसे तो ओरलैंडो कहता है एक काम कर मैं रुख पेड़ के नीचे उसको लिटाता है कि मैं कहीं ना कहीं अगर भोजन मिलेगा तो मैं तेरे लिए भोजन लेके आता हूं और जब तक मैं भोजन लेके नहीं आऊं तब तक तू मरना मत क्योंकि अगर मैं भोजन लेके आ गया तू मर गया तो मेरी तोहहीन हो जाएगी मैं आऊं तब तक तू सांस रोक के रखना इस प्रकार से एडम को वहां लिटा के और ओरलैंडो किसकी तलाश में चला जाता है भोजन की में चला जाता है भोजन को सर्च करने निकल पड़ता है तब हमें उधर दिखाई देता है कौन ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर गुफा में रहता है और उस गुफा के पास ड्यूक सीनियर के साथ दो व्यक्ति और हैं कौन है एमिन्स और जैक्स जैक्स नाम का जो करेक्टर है ना ये ऐसा करेक्टर है तो जीवन में आपको हर जगह मिल जाएंगे जिनके चेहरे पर एक आत्मा जिसका नाम क्या है जैक्स जैक्स मेलंकलीक्टर है हमेशा रोता रहता है कुछ भी दिख जाए हिरण मर गया उस पर रोने लग जाएगा बैठ के हिरण तू कैसे मर गया तेरी जिंदगी मौत कैसे आ गई तेरी ऐसी सब बातें करने वाला व्यक्ति कौन है जैक्स तो जैक्स जो है इसका करेक्टर कैसा है है पर ये विटी टाइप है बहुत बुद्धिमान टाइप है और ड्यूक सीनियर जो है वो जैक्स को बहुत पसंद करता है ड्यूक सीनियर कहता है से उसको बुला के लाओ जैक्स को यार बोला वो दुखी है बोला जब दुखी होता है तो और भी मजा आता है क्यों क्योंकि उस समय बहुत विटी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कौन जैक्स इससे बातें चलती रहती हैं खाना लगा हुआ होता है खाने की तैयारी होती है और सब खाने के लिए रेडी रहते हैं तो वहीं अच्छा उसके बीच में एक हिरण की स्टोरी हो रही है कि हिरण मरा उसके बाद रोने लग जाता उसको लेकर थोड़ा बड़ी हो जाएगी स्टोरी हो, उसमें पढ़ाऊंगा टेक्स्ट में अब तो मैं आउटलाइन में चल रहा हूं मोटा-मोटा तो जो जैक्स है वो क्या हो गया वो रो, रोने वाले फॉर्म में रहता है हमेशा एमियंस उसको बुला के लाता है ड्यूक सीनियर जैक्स एमियंस सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब खाने की तैयारी में लग जाते हैं और जी खाना खाना शुरू करते हैं और लेंडो तलवार लेके आता है कहता कहता रुक जाओ कोई खाना नहीं खाएगा जैक्स तू कहा से आ गया भाई तू कौन से लोग से आ गया हम खाना खाने चाह रहे तेरे को क्या दिक्कत है तू भी खाना खा ले आराम से बैठ के कौन बोलता है जैक्स बोलता है से कहता है भाई थोड़े तमीज वमीज है कि नहीं तेरे अंदर आराम से बैठ खाना खा और लेंडो है खाने की जरूरत मुझे नहीं है खाने की जरूरत एक से ज्यादा किसी और को है और खाना मैं उसको खिलाना चाहता हूं फिर थोड़ा ड्यूक सीनियर जब आराम से बात करता है उससे तो ओरलैंडो जो है वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है दोनों आराम से बातचीत करते हैं और ओरलैंडो और, और ड्यूक सीनियर दोनों की मुलाकात हो जाती है वहां और कहते हैं एक काम कर तू जा उस व्यक्ति को लेके आ जिसको खाना खिलाना है जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे ठीक ओरलैंडो जाता है और किसको लेके आता है एडम को लेके आ जाता है एडम आता है एडम आराम से खाना खा लेता है हैलैंडो भी खाना खा लेता है रहने के लिए इनको भी जगह मिल जाती है और एड, और, और एडम किसके साथ साथ रहने लग जाते हैं? जाते हैं 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 ड्यूक सीनियर के सेट 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 हो ये भी वो भी वो दोनों आराम से रहते हैं। अब सब लोग सेट होने के बाद जंगल में आराम से घूमने लग जाते हैं सब सैर कर रहे हैं कहा की आर्डन के जंगल की ओरलैंडो का भी पेट भर गया ओरलैंडो भी रेस्ट रेस्ट कर ली दिमाग शांत हो गया तो इसको भी कौन याद आ गई रोजालैंड कि मैं मिस कर रहा हूं बहुत किसको रोजालिंड को और रोजालिंड किसको मिस कर रही है को। तो जंगल में चला जाता है और जंगल में जो पेड़ दिखाई देते हैं देता है सारी कविताएं लिखता है कौन ऑरलैंडो जगह जगह जहां देखो पत्तियों पे पेड़ों पे हर जगह कविताएं लिखता फिर रहा है कौन ऑरलैंडो और रोजालिंड कहां गई मर गया मैं रोजालिंड ये सब कविताएं लिखता फिर रहा है कौन ऑरलैंडो

ये कहानी चल रही है तभी रोज़ालिंड जो है उसको कोरिन कहता है कि देखो इस जंगल में एक लड़का है बेचारा सीधा सा जिसका नाम क्या है सिलेबस ये सिलेबस जो है एक बावली लड़की जिसका नाम क्या है फेब इसके पीछे पड़ा हुआ है कि फेब मैं तो मर जाऊं चाहे मेरी जान निकल जाए एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं यह तमन्ना है किसकी सिलेबस <laughs> ये ऐसी बिल्कुल ये ही है उसमें इसी तरह देखना पढ़ना तो लगेगा आपको सिलेबस सिर्फ एक ही कर कुछ नहीं बस मेरी तो शादी तेरे से ही होनी है किससे से और कहती तू बावड़ा है क्या तू भाग यहां से उसको बेचारे को धुतकारती है बार बार और ये घूम फिर के कहां आता है यही आ जाता है कोरिन कहता है तू क्यों पागल हो रहा है इसके पीछे जब तेरे से बात ही नहीं करती है तो तू क्यों पागल है इसके पीछे क्या दिक्कत है तेरे को कहता नहीं मेरी जीवन का एक ही लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य कौन है फैब है इस तरह ये सब बातें चलती रही तो फैब बार बार उसको क्या करती है दुत्कार देती है और ये सब देख कौन रही है रोजालिंड इतना सब बिहेव देख के रोजालिंड को थोड़ा गुस्सा आ जाता है रोजालिंड को क्या आ जाता है गुस्सा आ जाता है और रोजालिंड को गुस्सा आ जाता है तो गनीमेड के रूप में वो भी सामने आ जाती है इन दोनों के बीच बातचीत चल रही है किसके सिलेबस और फैफ फैब, फैब सिलेबस कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ कहते हैं मैं तुझसे नफरत करती हूं मैं प्यार करता हूं मैं नफरत करती हूँ प्यार करता हूं नफरत करती हूँ लड़ाई चलती रहती है टपक के कौन आ गई बीच में गनीमेट कहती है ना तेरी सकल और ना तेरी अक्ल ठीक किसको बोल रही है फैब को बावली हो रही है अपने आप में अच्छा लड़का बड़ा उसको कह रही है तू इससे तो सोगना बढ़िया है क्यों इसके चक्कर में पड़ा है आराम से तू जा अपनी जिंदगी जी इस पागल लड़की के पीछे कहां घूम रहा है तू डांटे जा रही है डांटे जा रही है किसको फैब को कौन गनीमेड रोजा है गनीमेड ये डांट रही है गनीमेड इसको डांटे जा रही है डांटे जा रही है फैब सुनते जा रही है डांटे जा रहा है फैब सुनते जा रही है डांटे जा रही है फैब सुनते जा रही है फैब को बड़ा अच्छा लग रहा है कौन डांट रहा है गनीमेड करी और डांटना मजा आ रहा है डांटने में <laughs> क्योंकि फैब को लग रहा है कि वास्तव में कौन है लड़का है इसको लड़की नहीं क्या समझ रहा है लड़का समझ रहा है इसकी डांट में इसको बड़ा मजा आ रहा है किसको फैब में और वो मामला क्या है कि ये तो कर रही है इससे प्यार और ये कर रही है इससे प्यार मतलब सिलेबस तो फैब के पीछे और फैब अब होगी किसके पीछे गनीमेड और गनीमेड किसके पीछे ओरलैंडो के पीछे हम जिसे चाहते हैं वो चाहते हैं किसी और को खुदा करे वो जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को तो कहानी उल्टी हो गई मामला गड़बड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ अब ये जो गनीमेड है इसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है और ये फैब इसको पागल हो गई इसके पीछे इतना सब कहते गनीमेड वहां से निकल ली और सिलेबस और फैब दोनों रुक गए वहां सिलेबस और फैब दोनों आगे चल रहे होते हैं और फैब जो है सिलेबस से कहती है देखो लड़का मेरे को डांट रहा था ना बहुत बेकार लड़का उसको उल्टा पुलटा बोलती है इसको महसूस नहीं होने दे रही कि मुझे उससे प्यार हो गया है कि ये ये मैं इसको मेरे को डांट रहा है लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं किसको गनीमेड को इससे बदला लूंगी मैं जरूर सिलेबस कहता है बिल्कुल ठीक करी तुझे बदला लेना चाहिए ये तो बेचारा बावड़ा है मोटा है बिल्कुल एकदम <laughs> तो कह रही एक काम करेगा क्या बोला क्या बोला मैं इसको डांटूंगी लेकिन इसको चिट्ठी लिखूंगी मैं एक

सर ओलिवर उसको बुला लेंगे शादीवादी करवा देंगे। तभी एक दुखी प्राणी जिसका नाम क्या, है, कि यार, क्या करता है सारे दिन नाम लिखता रहता है. ये सारे दिन पेड़ पे रोजालिन रोजालिन क्या रोजालिन रोजालिन, रोजालिन लगा रखा है तु ये, ये तु एक काम कर, आजा, इस बात को भूल अपन दोनों बैठ के आराम से रोते हैं कौन बोलता है मुझे रोना होना पसंद नहीं है तो बोला मुझे प्यार व्यार पसंद नहीं है बोला एक काम कर तू आज के बाद मुझसे मिलना मत बोला मैं भी ये चाहता हूं कि तू आज के बाद मुझसे मिले ना तो दोनों रवाना हो जाते हैं छोटा दोनों का एपिसोड है तो ओरलैंडो और जैक्स मुलाकात वहां होती है एक अच्छा सा एपिसोड है फिर ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं एक दिन रोजालैंड और इसकी मुलाकात भी हो जाती है जैक्स की उनके बीच में भी वही बातें होती है कि दुखी प्राणी की तरह बात करता है लेकिन रोजालैंड किसमें खोई हुई है में खोई हुई है इस प्रकार से कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और एक दिन अचानक से जो है दो व्यक्ति मिलते हैं एक गनीमेड और दूसरा कौन रोजालिंड दोनों का आमना सामना होता है तो रोजालिंड जो है सॉरी रोजालिंड और ओरलैंडो ओरलैंडो और रोजालिंड दोनों मिलते हैं और ओरलैंडो और यानी गनीमेड है ये और इनका जब सामना होता है तो गनीमेड उससे बोलती है भाई तू है कौन मैं ओरलैंडो हूं यहां क्या कर रहा है कि यहां मैं मैं प्रेमिका को ढूंढ रहा हूं बोला उसका नाम क्या है बोला उसका नाम रोज़ालिंड है बोला तू वास्तव में प्रेम करता है बोला बिल्कुल प्रेम करता हूँ बोला लगता नहीं है तू प्रेम करता है, बोला बोला है, है, है।, है? है दाढ़ी बड़ी हुई होती है और बिल्कुल बावड़े की तरह दिखता है ना कभी नाता धोता है ऐसा प्रेमी होता है तू तो अपनी शक्ल का बहुत ठीक से ध्यान रखता है तू प्रेमी हो नहीं सकता बोला मेरे जैसा प्रेमी दुनिया में कोई है ही नहीं कौन बोल रहा है और बोला किससे प्रेम करता है बोला मैं रोजा से प्रेम करता हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रही है वो बोला एक काम कर तुझे मैं अगर इस प्रेम की बीमारी से ठीक कर दूं तो बोला मुझे ठीक होना ही नहीं तू क्यों ठीक कर रही है मैं तो खुश हूं मेरे जीवन में बोला नहीं फिर भी मैं तुझे प्रेम का पाठ पढ़ा सकती हूं मैंने पाठ किससे सीखा है मेरे चाचा से सीखा है ठीक है ये बातचीत किसके बीच में हो रही है रोजालिंड और ओरलैंडो तभी ओरलैंडो कहता है ठीक अब तो मुझे जाना होगा मुझे ड्यूक से कोई टाइम दिया हुआ है और ड्यूक से मुझे मिलना है इसलिए मैं जाऊंगा यहां से कौन बोलता है और जा रहा है कह जाऊंगा मैं पक्का जा रहा है क्या जाऊंगा कि दोबारा पाठ सीखना है तो कल आ जाएगा बोला जाएंगे कितने बजे जो भी टाइम दिया उसने बारह बजे एक बजे जो भी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा कौन बोलता है ओरलैंडो और इस प्रकार ओरलैंडो वहां से चला जाता है सीलिया कहती तू बावड़ी क्यों बना रही है छोरे को बोल दी सीधा मैं ही हूं को किसको बोल रही है गनी को कि नहीं नहीं अभी मुझे देखना है इसको क्या चक्कर है तो ओरलैंडो जो है वहां से चला जाता है कौन चला गया ओरलैंडो वहां से रवाना हो गया जब ये ऑर्लैंडो वहां से चला जाता है उसके बाद गनीमेड और सिलिया दोनों आपस में क्या करते हैं वार्तालाप करते हैं उधर जो है सिलीवस बिचारा जो पत्थर है प्रेम पत्थर किसका फैब का फेब का प्रेम पत्थर सिलीवस लेके आता है बड़े डरता डरता जाता है उसको देता है कहता है देख मैंने नहीं लिखा है ये कौन रहा है सिलीवस अब जब रोजालिंड उसको पढ़ती है तो उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं ना उसमें लिखा है तुम मुझे डांट रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा रहा था था मन कर तू और डांटता जाए पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा मुझे तुमसे प्यार हो गया है कौन लिख रही है सिलेबस को लग रहा है कि अब इसको गुस्सा आएगा अब इसको गुस्सा आएगा अब इसको गुस्सा आएगा क्यों उसको लगा इसने उल्टा फुलटा लिखा होगा कुछ तो रोजानी गनी पत्थर को पढ़ रही है और देखते जा रही है किसकी तरफ सिलेबस की तरफ सिलिबस के रहा है कुछ भी नहीं लिखा है इसमें तो, तो उसका मतलब वहां से को पता लग जाता है कि फेब जो है वो गलत सोच सोच रही रही है है जो वो सोच रही है वो मैं हो नहीं कौन बोल रही है, हो? अपने मन में ही सोच रही है। तो यहाँ से कहानी भी आगे बढ़ती है उधर टच स्थान और ओडरी दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं कि अपन दोनों जो है वो शादी कर लें तभी ओडरी कहती है कि लड़का है जंगल में जिसका नाम विलियम है और वो मेरे पीछे पड़ा है कि मैं तुझसे शादी करूंगा अच्छा मिला मेरे को कौन है वो ठीक तो विलियम जो है उससे मुलाकात हो जाती है किससे टचस्टोन की विलियम टचस्टोन कहता है तू क्या नाम है तेरा विलियम नाम है बोला तू क्या क्यों घूम रहा है जंगल में बोला मैं शादी करना चाहता हूँ बोला आज के बाद नाम मत लेना ऑडरी का जहा निकाल दूंगा तेरा भाग जाए और वो तुम मरेगा नहीं तो तेरे को हजार तरीके से मारूंगा कहीं ना कहीं पटक के मार दूंगा भाग जा विलियम बेचारा भाग जाता इतना ही सीन है विलियम का तो टेस्ट और ऑडरी दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और मंडप इनका वहीं जंगल में बन जाता है और वहां जो इनकी शादी की प्रिपरेशन होती है सर ओलिवर माग टेस्ट जो पादरी है इनकी शादी करवा रहा होता है तभी वो कहता है कन्यादान कौन करेगा कौन बोलता है पादरी बोला कोई कन्यादान वन्यदान में किसी दूसरे से कन्यादान क्यों लूंगा शादी कराऊ तो करवा फटाफट कौन बोल रहा है टचटोन बोला शादी ऐसे तो इलीगल हो जाएगी बोला तू भाग यहां से काम कर निकल वो पादरी वहां से भाग जाता है दोनों की शादी होते होते ही रह जाती है और शादी नहीं हो पाती किसकी ऑड्री और टच स्टोन की उसके बाद उधर रोजालैंड वापस अगला दिन हो गया वेट कर रही है किसका ऑरलैंडो का ऑर्लैंडो का वेट कर रही है ऑरलैंडो अगले दिन आता है लेकिन दो घंटे लेट आता है दो घंटे लेट आता है तो और रोजालेंड गुस्सा करती है उसके ऊपर गनीमेड बन के तू क्या प्रेम है बावला तू तो दो घंटे लेट आया बोल दो ही तो लेट आया हूं बोलो दो घंटे की बात कर रहा है दो मिनट भी लेट आना गुना है प्रेम में तू बहुत दुष्ट व्यक्ति है किसको बोलती है और लिंडो तो कहता है नहीं नहीं अब आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगा बोला एक काम कर तू मेरे को आज के बाद मैं तेरे को पाठ तभी पढ़ाऊंगी जब तू मुझे अपनी रोजालिंड माने कौन बोल रहा है गनीमेड तेरे को क्यों मानू मैं मेरी रोजालैंड को रोजालैंड मानूंगा तुझे क्यों मानूंगा बोला नहीं तुझे पढ़ाऊंगी तभी पाठ अगर तू माने बोला ठीक है मान लेता हूं तो उसको मान लेती है किसको सॉरी ओरलैंडो मान लेता है उसको और सीलिया दोनों की शादी करवा देती है वही घुमाती रहती है तो सीलिया इनकी शादी करवाने वाली लड़की बन जाती है और वहां दोनों एक तरीके से एक तरीके से मैरिज कर लेते हैं कौन कौन गेनीमेड और ओरलैंडो ओरलैंडो को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है पर कर लेता है बेचारा जैसा भी है तो इन दोनों की एक तरीके से शादी हो जाती है और फिर यह कहता है कि अब मैं जा रहा हूं

फिर कहते देख लो नहीं आया ना दोगे धोखा दे गया मुझे पता था बेकार है जूठी पत्तियों पे नाम लिख रहा है कोई लेने देना नहीं है बकवास कर रहा है ऐसा सब और कर रही होती है ये कहानी इधर चल रही है तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां टपकता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है ओलिवर ये ओलिवर जो है इसके हाथ में एक रूमाल है रूमाल खून से सना हुआ है ब्लड से सना हुआ रूमाल है और वो रूमाल लेके वहां आया है और कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे कोई दो बहन भाई रहते हैं क्या यहाँ बहन भाई मतलब ये तो भाई है और बहन कौन है सीलिया कहता क्यों कहते ऐसे ऐसे मुझे मिलना है इसी साकार के दो बताए हैं मुझे उनसे मिलना है बोला क्यों मिलना है तो सीलिया जो है पुश्ती मिलना क्यों है बोला हां मुझे मिलना है मैं कुछ बताना चाहता हूं तो वहां वो चला जाता है ओलिवर और सीलिया रोजालिन दोनों उसको सामने दिखाई देते हैं बोला क्या बताना है बोला ऐसे ऐसे मेरा एक भाई है जो यहां किसी एक व्यक्ति से मिलने किसी लड़की से जो उसको जिसको अपनी रोजालिन मानता है उससे मिलने आने वाला था लेकिन मेरी वजह से यहां वो नहीं आ पाया बोला कैसे

और ने और लड़ाई में औरलैंडो ने उस टाइगर को तो हरा दिया और मुझे क्या कर लिया बचा लिया लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में उसके हाथ पे टाइगर ने क्या कर लिया काट लिया काट और काटने से उसका ब्लड निकल गया वो बेहोश हो गया वहीं गिर गया इसलिए वो यहां आ नहीं पाया मैं उठा के उसको ड्यूक सीनियर के पास वहां ले गया वहां उसकी पट्टी वट्टी की अब वो थोड़ा ठीक है इसलिए वो नहीं आया और निशानी के रूप में मुझे रूमाल दिया है और कह रहा था कि जिसको मैं सुनता हूं उसको रुमाल दे दे तो गनीमेड को वो रुमाल सौंपता है गनीमेड इतनी बात सुन सुनकर लग जाती हो बोला तू क्यों बावड़ी हो ये क्यों गिरने वाली है कहानी सुन के तो वास्तव में वो तो क्यों उसको लग गया कि मर नहीं गया हो बेचारा कुछ हो नहीं गया हो सीलिया कहती नहीं, नहीं। इसको ऐसे हो गया होगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो इससे वहां से चलो चलो इसको अंदर ले चलते हैं और इनके जो फॉर्म हाउस है वहां अंदर घुस जाते हैं कौन कौन ओरलैंडो रोजालेंडो और सीलिया अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो उसको तो पता था ना क्योंकि ओरलैंडो ने पहले बताया था कि मेरा भाई बहुत दुष्ट है मेरा ख्याल नहीं रखता है तो कहता है अच्छा तू उसका भाई है तू दुष्ट आदमी कौन बोलती है इसीलिए बोला दुष्ट था अब दुष्ट नहीं हुआ मेरी आंखें खुल गई हैं मेरा भाई बहुत अच्छा है आज तक जो मुझसे हुआ वो सब गलत हुआ है अब मैं मेरे भाई से कोई नफरत नहीं करता मैं बिल्कुल बदल चुका हूं अब मैं पहले जैसा नहीं हूं तो रोजाली ने फिर उससे पूछती है कि अब वो ठीक ठाक है बोला हाँ ठीक है बोला कोई बात नहीं ऐसा करके ओलिवर वहां से रवाना हो जाता है और वापस किसके पास पहुंच जाता है ओरलैंडो के पास चला जाता है ओरलैंडो कहता है भाई सुन बोला बोल दिया है रूमाल बोला दिया बोला वो खोज सब ठीक है बोला भाई सब ठीक है यार।, यार वो जिसको तू रोजालिन मानता है ना उसके साथ वो जो लड़की है ना वो बढ़िया है यार बिल्कुल कौन <laughs> बोला कहना क्या चाहता है बोला ये मेरे को तो प्यार हो गया उससे बोला तू तो मेरा रुमाल देने गया था कि अपना दिल देने गया था वहां बोला भाई मुझे नहीं पता देख सुन इसमें तेरा भी फायदा है बोला फायदा क्या बोले मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है कौन बोल रहा है ओलिवर सारी तेरी आज के बाद मैं तो यहीं रहूंगा और मुझे तो बस एक ही काम मेरे तो ब्याह करवा दे किससे से बोला बावड़ा हो गया क्या तू पहली बार मिल गया ब्याह करवा दे मेरा कोई सतुना है नहीं तू शादी करवा दे बोला कुछ भी हो भाई मेरी तो तू मैरिज करवा दे मेरी तो शादी करवा दे कौन कराए बोला ठीक है मैं प्रस्ताव रखूंगा जाके और वहां जाके वहां से फिर औरलैंड जाता है वापस अगले दिन फिर बातचीत होती है रोजालिंड में रोजा थोड़ी दुखी भी होती है उसको देख के लेकिन अब वो ठीक लग रहा है बातचीत करते हैं बोला बाकी तो सब ठीक है मेरा भाई जो है वो तेरी से उसी उससे प्रेम कर बैठा है एलिना से दोनों की शादी करवा दे बोला वो भी खुश है क्या बोला सीलिया को भी प्यार हो गया उससे दोनों खुश हैं तो कहता है, देखो कितने भाग्य वाला है मेरा भाई कल जंगल में आया और आज ब्याह रचा रहा है और मैं बावड़ी की तरह घूम रहा हूँ पत्तियों पर लिखता लिखता रोजा लैंड मेरा पता नहीं क्या होगा बोला मेरे चाचा ने मुझे जादू सिखाया है

क्यों पढ़िए भाई तो मेरे पीछे मत पढ़ मैं कुछ और हूं जो तो समझ रही हूं, मैं हूं ही नहीं तो वहां सब इकट्ठे होते हैं फिर वहां रोजालिंड कहती है कि सुनो मैं बात बताती हूं मेरे चाचा ने मुझे जादू सिखाया है और मैं जादू से कुछ कर सकती हूं तो सबसे पहले वो ऑर्लैंडो को बोलती है अच्छा फिर ओलिवर भी पहुंच गया मान लो वहां सीलिया भी है सब लोग वहां आ जाते हैं सारे के सारे सबसे पहले ओरलैंडो जो है सॉरी सबसे पहले गनीमेट जो है ओरलैंडो को कहती है कि तू रोजालिंड से प्यार करता है बोला करता हूं ब्याह करेगा बोला करूंगा और कोई जिंदगी में तमन्ना ही नहीं है मेरी बोला ऐसा नहीं हो कि सामने आ जाए मना कर दे बोला करूंगा बोला पक्का तेरा डन है मैरिज किसके साथ रोजालैंड के साथ कल तेरी शादी हो जाएगी पक्का रोजालैंड के साथ बोला डन डन ओलिवर कहते तेरी भी हो जाएगी किसके साथ सीलिया के साथ तो फैब कहती इसका मतलब मेरी तेरे साथ पक्का बोला यस अगर तूने मैं तेरे साथ तेरे साथ मेरी शादी पक्का हो जाएगी लेकिन अगर तूने मेरे से साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो तेरे को फिर इसके साथ शादी करनी पड़ेगी ये वादा कर बोलो वादा ही है इसमें क्या है मैं, मैं इनकार क्यों करूंगा मुझे शादी तेरे साथ ही करनी है ठीक सिलेबस रहा है तू बता इसको ले, ले लेगा क्या अगर ये मेरे साथ शादी नहीं करे तो बोला मैं तो जिंदा इसी के लिए हूं जीवन में और हुई क्यों तो सिलेबस कर बोला ठीक है सब ठीक बोला हाँ सब सेट है हमें कोई दिक्कत ही नहीं है हम सारे सेट हैं तो सबको रोजालिंड कहती है ठीक है कल तुम सब लोग मिलना मैं तुम्हें जैसा जैसा चाहते हो कल सबकी शादी उसी तरह उसी पैटर्न से होने वाली है कल मिलना ड्यूक के सामने वहीं मिलेंगे सब लोग अगले दिन होता है और सब वहां ड्यूक के वहीं दरबार दरबार में सार, क्या जंगल में गुफा में कैव में वहां ड्यूक सीनियर है ड्यूक सीनियर जो है उसको ओरलैंडो कहता है कि ये जो लड़की है लड़की तो नहीं है गनीमेड अभी क्या है लड़का है ये कहता है मेरे चाचा ने मुझे जादू सिखाया है और मैं सब कुछ करवा दूंगी आपको लगता है क्या करवा देगी बोले यार लगता तो नहीं पर पता नहीं करवा दे बोले एक बात और बताओ आपके कोई और बेटा बेटा इसकी शकल मतलब दूसरा भी आगे कोई बोला क्यों बोले यार इसकी सकल उसमें मिलती है रोजालिंड में किसकी गनीमेड की, गनी की। सीनियर कहता है है लगता तो मुझे भी है कि इसकी शक्ल उसमें मिलती है पर पता नहीं क्या है गनीमेड फिर दोबारा वहां सबको इकट्ठा करती है और सबको कहती है सुनो सबसे पहले ड्यूक सीनियर से कहती है कि ड्यूक सीनियर आपके एक बेटी जिसका नाम क्या है रोजालिंड क्या नाम है रोजालिंड क्या आप अपनी बेटी की शादी ओरलैंडो से करने के लिए तैयार हैं ड्यूक सीनियर कहता है, बिल्कुल मैं अपनी बेटी की शादी रोजालिंड से करने के लिए तैयार हूं से से शादी करने के लिए कौन तैयार हूं किसकी गनीमेड गनीमेड की गनी की मैं शादी ओरलैंडो से करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं स्वीकार हो गया तो यानी गनीमेड और ओरलैंडो के लिए एक्सेप्टेंस ले ली किससे ड्यूक सीनियर से ठीक उसके बाद सीलिया से बोलती है ओलिवर से शादी करने के लिए तैयार है बोला बिल्कुल तैयार हूं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद टच स्टोन जो है उसको बोलता है ओडरी के लिए बोला मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और गनीमेड फेब से बोलती है बोला तेरा क्या ख्याल है बोला मैं तो तुझसे ही करूंगी बात खत्म बोला अगर मुझसे नहीं करी तो सिलेबस से तैयार है बोला बिल्कुल तैयार हूं सिलेबस तू फेब के लिए तैयार है बोला बिल्कुल तैयार हूं बोला ठीक है पांच मिनट वेट करो मैं आती हूं मतलब <laughs> आता हूं पर वापस चली गई वहां से और थोड़ी देर में बाद रोजालिंड जब आती है तो अब वास्तव में रोजालिंड के रूप में सबके सामने वो आती है कौन गनीमेड और सीलिया तो सीलिया आई गई जब वो सबके सामने आती वहां दिखती है सबसे पहले टेंशन किसको हो गई होगी को ये अब तक ये तो बावली तो बेकूफ बढ़ा रही है तो मामला ही कुछ और है ये तो मामला ही कुछ और है। और सबसे पहले गनीमेट जो है यानी अपने आप को किसके सामने सौंपती है ड्यूक सीनियर को कि पिताजी मैं आपकी बेटी हूं अब आप जो चाहो वो स्वीकार है तो ड्यूक सीनियर बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी और उसकी शादी किससे हो रही है ओरलैंडो से तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए तो ओरलैंडो भी खुश हो गया बोला इतने दिन से मेरे को वैसे बाउली बना रही थी तू इसका मतलब ओरलैंडो और रोजालैंड दोनों का मामला तो सेट हो गया सिलिया और ओलिवर में तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल मामला क्लियर है ओलिवर और सुलिया दोनों रेडी हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है टच स्टोन का भी ऑर्डरी के साथ मामला सेट है कोई दिक्कत ही नहीं है फैब जो है उसका दिल टूट गया बेचारे थोड़ी देर तो रोई रोई थोड़ी देर फिर सिलीवस कहता है रो क्यों रही है मैं तेरे लिए अभी भी तैयार हूं देख मैं तुझे कभी बना नहीं करता बोला अब मैं करूं भी क्या आ जा तू या जात तेरे से शादी कर लेते हैं तो चार जोड़े बन जाते हैं एक जोड़ा ओरलैंडो और, और रोजालिंड का एक जोड़ा ओलिवर और सीलिया का एक जोड़ा टचस्टोन और ओडरी का और एक जोड़ा सारे जोड़े वहां बन गए तब विलियम जो है विवाह के देवता के रूप में वहां हिमन के रूप में वहां सामने आ जाता है कि चलो आज सबकी शादी करवा देते हैं कंफ्यूजन इज ओवर और सबकी शादी होती है मंडप सबका सज जाता है शादी का प्रोग्राम चलने लग जाता है सब बड़े खुश होते हैं सिलेबस भी जीवन में पहली बार बेचारा खुश लग रहा है लेकिन दुखी प्राणी एक कौन? जैक्स सब खुश होते हैं सब प्रोग्राम चल रहा होता है तभी तो दूसरा जैक्स जिसको अभी तक आपने देखा नहीं है ये जैक्स डिबोइ वहां आ जाता है

जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण क्या है तृष्णा मोह माया त्याग दे बेटा जीवन में कुछ नहीं है बोला बस उसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक का मोह भंग हो गया जीवन से, उसने कहा आज के बाद मुझे महल वहल कुछ नहीं चाहिए सब त्याग रहा हूं सब छोड़ रहा हूं और आज के बाद सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो भी महल है सब मैं अपने भाई को वापस दे रहा हूं बता दो जाके उसको कि आज के बाद मैं जंगल में रहूंगा आज के बाद यहां से वापस लौट के नहीं जाऊंगा तो बोला मैं खबर लेके आया हूं कि ड्यूक सीनियर आप रिटायर ड्यूक है एक तरीके से लेकिन दोबारा से आपको क्या मिल रही है ड्यूकशिप मिल रही है तो सोने पे सुहागा हो गया अभी ड्यूक को वापस क्या मिल गई ड्यूकशिप ड्यूक कहता है चलो ये तो खुशी में और भी अच्छी बात है सब लोग और खुश हो जाते हैं सब खुश हैं सबकी शादियां हो रही है ये आदमी कोने में बैठा बैठा रो रहा है कौन जैक्स बोला तू क्यों रो रहा है भाई बोला मुझे खुशी रास नहीं आती है कौन कर रहा है जैक्स तो बोला आप क्या करोगे सब लोग बोला क्या करेंगे सब वापस जाएंगे कहा जाएंगे किले विले में चले जाएंगे बोला मैं तो नहीं जाऊंगा कौन कहता है जैक्स बोला तू क्या करेगा बोला मैं तो अब उसके साथ रहूंगा किसके साथ ड्यूक फ्रेडरिक के साथ, के साथ. <laughs> मैं तो अब नहीं जाऊंगा मैं तो ड्यूक फ्रेडरिक के साथ रहूंगा तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ सबकी शादियां हो जाती हैं सबको बधाई बधाई देता है जैक्स जैक्स कहता है सब खुश रहो तुम्हारी सबकी शादी बहुत अच्छी चले लास्ट में टच टोन से मिलता है टेस्टोन कहता है तेरी शादी तो एक साल पहले टूटेगी मेरी गारंटी है किसको बोल रहा है ये टेस्टोन को क्योंकि टेस्टोन और जैक्स के बीच में बहुत सारी बातें पहले भी होती हैं मजाक में उसको भी कहता है इस प्रकार से सब एक साथ जोड़े जुड़ जाते हैं और पर्दा गिर जाता है और इसी के साथ कहानी एंड हो जाती है दिस इज द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट थोड़ी बहुत समझ में आई ठीक है बोल दो उसको थैंक यू एक मिनट उठवाने दो ऑनलाइन ऑडर सो गए कि समझ में आया है हेलो ठीक है आगे क्या ओके okay. ठीक है थैंक यू कल मिलते हैं चलिए टेक्स्ट ले आना कल